नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको किशोर वर्ग प्रश्न मंच की तैयारी के लिए वीडियो आपको मौखिक चक्र का दे रहे हैं। इससे पहली वाली दो वीडियो में हम आपको तीन वीडियो में आपको हम 9 प्रश्न करा चुके हैं। अभी एक प्रश्न आपका 10वां विभाजनीयता परीक्षण रह गया है। इसमें किसी भी संख्या में पूरा बिना भाग दिए हुए, ये जरूरी नहीं है कि केवल प्रतियोगिता के लिए ही उपयोगी हो, ये सबके लिए उपयोगी है। जिनको 19, 39, 49, 69, 79, 89, 89, 99 इनका पहाड़ा याद नहीं है, तो किस प्रकार से बिना देखे हुए ये पता करना कि भाई ये संख्या पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। है तो उसका अंतिम अंक क्या आएगा, क्योंकि अपना यहाँ जो पूछा जाता है वो समझ लीजिए क्या पूछा जाता है कि संख्या तो होगी आपकी 6 अंकों की, संख्या 6 अंकों की आएगी और विभाजनीयता पूछी जाएगी आपसे 19, 29, 39 तक। इस प्रकार की संख्याओं से विभाजनीयता हमको चेक करनी है। उत्तर जो देना है अंतिम संख्या सहित देना है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर जो देना है अंतिम संख्या सहित, उत्तर अंतिम संख्या सहित बताना, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि भाई अंतिम संख्या क्या है। दोनों चीज़ों को समझेंगे, विभाजनीयता है तो और नहीं है तो क्या आएगी अंतिम संख्या, और बिना भाग दिए हुए केवल 10 सेकंड में हम लोग कर लेंगे। हाँ जी, तो अब समझिएगा भाई कि कोई भी संख्या आपके सामने प्रश्न आ गया, प्रश्न आएगा कैसे वो समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लो आपके सामने संख्या आ गई 72, 39, 64 और आपसे उत्तर पूछ ले विभाजनीयता परीक्षण, विभाजनीयता परीक्षण 49 से ज्ञात करना है, ऐसे आ गया प्रश्न। संख्या ये है, इसकी विभाजनीयता परीक्षण करना है 49 से है या नहीं है, तो आपको करना क्या है। अगर पूरा विभाजित है तो उत्तर देना है हाँ। क्या बोल रहे हैं जी? हाँ, संख्या विभाजित है और अंतिम अंक आएगा 49। जितने से विभाजित है यदि पूरा तो अंक वही रहेगा अंतिम, जितने की परीक्षणता पूछ रहा है। समझ में आ रही है कहानी कि भाई अगर मान लो ये संख्या, अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि हमें कैसे चेक करना है, ठीक है। तो यदि ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो आपको उत्तर देना है संख्या 49 से विभाजित है और अंतिम अंक 49, ऐसे बोलना, अंतिम संख्या 49। और यदि विभाजित नहीं है तो वो समझ लीजिएगा, जैसे ये संख्या 49 से विभाजित नहीं है, मैंने ऐसी संख्या ली है तो इसमें कैसे उत्तर देना है वो समझ लीजिए, और चेक कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका मौखिक चक्र है। तो यहाँ जैसे आपने 49 लिख लिया तो यहाँ 49 का आपको पूरक ढूंढना, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा राउंड ऑफ करके कि ये किसके नियरेस्ट है, 50 के, तो 50 का टेंस वाला डिजिट ले लो, 50 का टेंस वाला डिजिट ले लो, तो यानी हमारा जो पूरक होगा वो 5 होगा। ऐसे ही 19 के लिए पूरक क्या होगा, 2 होगा। 29 के लिए पूरक, 39 के लिए 4 नहीं बोल सकते, 49 के लिए 5, 59 के लिए 6, यानी उसके जस्ट अगले वाले टेंस का दहाई का अंक लेना है, सीधी सी बात है। अब समझो क्या करना, अपने दिमाग में ये वाला अंक एज इट इज रखना है कि भाई ये तो यहाँ पर 4 है ही। अब क्या करना है, यहाँ हमारा पूरा कितना है, 5, क्योंकि चक्र पूरा मौखिक चलेगा ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 5 का इसमें गुणा करो, 5 × 20 और अगले वाले अंक को जोड़ दो 26। 26 को लिखना कैसे है, 6 और 2, आपको अलग अलग अपने दिमाग में रखना, आपको अलग अलग अपने दिमाग में 6 को और 2 को। अब 5 के दहाई के अंक में गुणा करेंगे, 5 के 30 और 2 को जोड़ दिया 32 और अगली वाली संख्या को फिर जोड़ दो 41 और ऐसे ही लिखेंगे 1 और 4, ये ध्यान में रखना। फिर 5 × 5, 4 × 9, 3, 12। अब देखो स्पीड पकड़ गई आपकी, 5 × 2, 10, 11, 2, 13, 5 × 3, 15, 1, 16, 7, 23, 16, 7, ये आ गया। इसमें नहीं करना होता है, लास्ट वाले अंक में
नहीं करना होता है, इनटू वगैरह कुछ भी, बस ये लास्ट वाला जुड़ गया वही पर्याप्त है। अब ये संख्या 49 जितने का पूछ रहा है, 49 या उसका मल्टीपल नहीं है तो दी हुई संख्या विभाजित नहीं है। सीधा सा फंडा है जी, दी हुई संख्या विभाजित नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, दी हुई संख्या 49 से विभाजित नहीं है, अंतिम संख्या आई 23। ये जो लास्ट का मल्टीपल होकर के आया है इसको एक साथ लिखना है, तो अंतिम संख्या 23। क्लियर हो गया, कोई डाउट? दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, विभाजन तो पूरा पूरा विभाजित हो, ठीक है, बोलिए सर। 93,366 ये संख्या है और 39 से विभाजित था, हमें इसकी परीक्षण करना है, नहीं तो फिर 5 अंकों की रह गई, 6 की लानी है। हाँ जी देखिए, ये संख्या है 933,738 की विभाजनीयता चेक करनी है हमको 39 से है कि नहीं है, तो 39 का पूरा कितना हो गया, 4 हो गया, करिए साहब 8 तो जो कहते हो अपने दिमाग में रखना, तो 4 8 32 3 35 5 दिमाग में रखना है, 4 5 20 3 23 7 30 4 0 0 3 3 3 6 4 6 24 24 3 27 4 7 28 28 2 30 39 आ गया, तो दी हुई संख्या 39 से भाजित है कि नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, दी हुई संख्या 39 से भाजित है और अंतिम अंक आएगा, अंतिम संख्या 39, अंक नहीं बोलना, अंतिम संख्या 39 ये बोलनी। क्लियर हो गया, कोई डाउट विभाजनीयता परीक्षण का? आसानी से करना, 30 सेकंड का बहुत पहाड़ सा समय होता है। हाँ बोलिए, पूछिए। सभी भैयाओं को जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में आपको हम लिखित चक्कर कराने वाले हैं, ठीक है जी, किशोर वर्ग का। धन्यवाद।